मीरा ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखा और कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अपने कमरों में जाओ। अभिषेक, सबको अपने कमरे में पहुंचा दो। ये कहते हुए वीरा आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे पहले ही पता था उसे कौन से कमरे में रुकना है। वीरा उस जगह को अच्छे से जानती थी। वहां एक बार धैर्य को किडनैप करके रखा गया था, इसीलिए वीरा के दिमाग में उस जगह का मैप फिक्स था और उसने अभिषेक से पूछ लिया था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है और उसका कौन सा कमरा है। वीरा ने ऋषि का हाथ पकड़ा, फिर वो ऋषि को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले गई। अभिषेक ने पीयूष, अनाया और रावी विहान को उनके कमरे दिखा दिए, फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। वो सभी लोग आज वहीं रुकने वाले थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि शादी के दूसरे दिन ही सूरज का घर बिल्कुल खाली हो जाए। हालांकि उन लोगों ने शादी की बाकी रस्में नहीं निभाई थी, पर उनकी शादी ट्रेडिशनल तरीके से हुई थी और वैसे भी सूरज का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि सूरज अकेला फील करे। इधर सूरज के कमरे में सूरज ने मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा, जहां तपस्या बैठी हुई थी। तपस्या बैठे बैठे सो चुकी थी। तपस्या का सिर बिस्तर के कोने में टिका था और हैवी ज्वेलरी और मेकअप के कारण उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। सूरज जो ये सोचकर बैठा था कि वो तपस्या पर काफी गुस्सा करेगा, तपस्या के चेहरे के मासूम और थके हुए एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल पिघल गया और वो एकटक तपस्या को देखने लगा। तपस्या की झुकी हुई पलकें उसकी आंखों को ढक रही थी और उसके होठ एक छोटी सी मुस्कान में मुड़े हुए थे, जो वो कोई हसीन सपना देख रही हो। कुछ पल तक तपस्या को निहारते रहने के बाद सूरज के दिमाग में वही बातें आने लगी जो उसने तपस्या के कमरे के बाहर खड़े होकर सुनी थी और उसका दिल वापस कड़वाहट से भर गया। सूरज ने साइड में रखा ग्लास उठाया और ग्लास का सारा पानी तपस्या के ऊपर फेंक दिया। तपस्या जो एक खूबसूरत सपना देख रही थी अचानक से जाग गई। तपस्या ने कहा, बारिश हो रही है, मुझे छाता दो। ये कहते हुए तपस्या आसपास देखने लगी। तभी उसने देखा कि वो एक खूबसूरत से बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने सूरज खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? इस तरह मुझ पर पानी फेंकने से तुम्हारा क्या मतलब है? सूरज ने कहा, तुम इस बिस्तर पर नहीं सो सकती, नीचे उतरो। ये कहते हुए सूरज आगे बढ़ा और उसने तपस्या का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लिया। तपस्या अपने भारी लहंगे के कारण खुद को नहीं संभाल पाई और जमीन पर गिर गई। तपस्या के घुटने में और उसके हाथ की कोनी में चोट लग गई थी, जिसके कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। तपस्या ने सर उठाकर सूरज की तरफ देखा, जो कि अलमारी के पास जाकर दूसरे कपड़े निकाल रहा था। तपस्या ने कहा, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? सूरज ने बिना तपस्या की तरफ देखे कहा, इसका कारण तुम अच्छे से जानती हो। तपस्या ने कहा, तो क्या तुम इस बात की सजा मुझे जिंदगी भर देने वाले हो? अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? सूरज ने मुड़कर तपस्या को देखा और कहा, यह शादी तुम्हारे लिए एक मजाक थी, पर बाकी सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी थी और मैं इतने सारे लोगों का दिल तुम्हारे कारण नहीं तोड़ सकता था। ये कहते हुए सूरज वॉशरूम में चला गया और तपस्या उसे मुंह खोलकर देखती रह गई। तपस्या ने अपना हाथ जमीन पर पटका और कहा, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे जमीन पर कैसे सुलाते हो। ये कहते हुए तपस्या ने बिस्तर की तरफ देखा और साइड में रखे जग का सारा पानी बिस्तर पर डाल दिया। तपस्या ने अपने हाथ छटकते हुए कहा, अगर मैं जमीन पर सोऊंगी तो तुम्हें भी जमीन पर ही सोना पड़ेगा। ये कहते हुए तपस्या ने अपने कपड़े उतारे और एक सिंपल सा पजामा पहन लिया। फिर उसने बिस्तर पर रखे ब्लैंकेट को उठाया, जो उसने पहले ही साइड कर दिया था, और उसे उड़कर जमीन पर लेट गई। जमीन पर सॉफ्ट कारपेट बिछा हुआ था, जिस कारण तपस्या को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद तपस्या को नींद आ गई। सूरज जब कमरे में आया तो उसने देखा कि तपस्या जमीन पर सो रही थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं थे, बल्कि वो काफी सुकून से सो रही थी। ये देखकर सूरज चिढ़ गया। उसने सोचा था कि वो तपस्या को परेशान करेगा, जिस कारण वो रात भर जागती रहेगी, पर तपस्या को इस तरह सोता देख उसे गुस्सा आ रहा था। सूरज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर चढ़ गया। तभी उसे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। सूरज ने बिस्तर पर हाथ फेरा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर सूरज की नजर साइड में रखे जग पर गई, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था। सूरज समझ गया कि यह तपस्या का ही काम था। सूरज ने गुस्से में तपस्या को देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तपस्या ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। तुम्हारे दोस्त अभी भी इसी घर में है। वो क्या सोचेंगे कि जिस लड़की से तुमने आज शादी की है तुम उससे झगड़ा कर रहे हो? ये कहते हुए तपस्या शरारती तरीके से मुस्कुराने लगी। सूरज ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में खड़े होकर सूरज ने एक लंबी सांस ली। तभी उसकी नजर दूसरी बालकनी पर गई, जहां पर वीरा खड़ी होकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये देखकर सूरज जल्दी से कमरे में वापस आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सारी परेशानियों में कहां से फंस गया था। सूरज ने देखा कि तपस्या कितने आराम से सो रही थी। ये देखकर सूरज को गुस्सा आ गया। सूरज भी जमीन पर लेटा और उसने उस ब्लैंकेट को खींच लिया, जिसे उड़कर तपस्या सो रही थी, और खुद उसे उड़कर सोने लगा। तपस्या को जब ठंड का एहसास हुआ तो उसने देखा कि वो बिना ब्लैंकेट के सो रही है और सूरज ने उसका ब्लैंकेट छीन लिया है। तपस्या ने भी उस ब्लैंकेट को छीनने की कोशिश की। ऐसे ही दोनों की खींचातानी में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सूरज और तपस्या इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सूरज ने कहा, मुझे ये ब्लैंकेट दे दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर पानी डालने की? तपस्या ने कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे नीचे सुलाने की, अगर मैं ऊपर नहीं सोऊंगी तो तुम्हें भी नीचे सोना पड़ेगा। सूरज ने कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये कहते हुए सूरज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। तपस्या सूरज की पीठ को देख रही थी।
फिर उसने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और दोनों ब्लैंकेट के एक एक हिस्से को पकड़कर सो गए। इधर अनाया और पीयूष के कमरे में। पीयूष अनाया की तरफ देख रहा था जिसके हाथ में एक तकिया था। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? अनाया ने कहा, मैं साइड में सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बिस्तर पर सो जाओ। पीयूष ने कहा, अनाया तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या आप तो मुझे पसंद नहीं करती हो? अनाया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है पीयूष, बस मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो। ये कहते हुए अनाया ने एक छोटी सी मुस्कान दी और सोफे पर लेट गई। पीयूष ने अनाया को घूर कर देखा और खुद भी सोफे की तरफ फड़ गया। अनाया अभी सोने ही वाली थी कि तभी उसे अपने ऊपर एक भार महसूस हुआ। अनाया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पीयूष उसके ऊपर था। पीयूष ने अनाया को अपने शरीर से दबा दिया था और वो उसकी आंखों में देख रहा था। पीयूष ने कहा, अनाया अगर तुम इसी तरह बिहेव करती रही तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। तुम अच्छे से जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्यों तुम्हें लोगों की बातों से इतना फर्क पड़ रहा है? अगर ऐसी ही बात है तो हम भी कल ही शादी कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ कहे। अनाया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पीयूष हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग तुम्हारे बारे में और बातें बनाएंगे जो मैं नहीं चाहती। ये कहते हुए अनाया अपनी आंसू भरी आंखों से पीयूष को देख रही थी। अनाया को पीयूष की बहुत चिंता थी और उसे पीयूष की रेपुटेशन बहुत प्यारी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके कारण पीयूष की पोस्ट या उसकी रेपुटेशन पर कोई सवाल उठे। पीयूष ने परेशान होते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं संभाल लूंगा। अनाया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं किन हालातों में हूँ, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। अगर तुम्हारे लिए मुझे पूरी दुनिया को छोड़ना पड़े तो मैं वो छोड़ दूंगा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए पीयूष झुका और उसने अपने होंठ अनाया के होठों से छू लिए। अनाया भी अपने दिल के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने भी अपने दोनों हाथ पीयूष के गले में लपेटे और किस में उसका साथ देने लगी। वीरा और ऋषि के कमरे में। वीरा अभी बालकनी से कमरे में आई थी, उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना था। जब वीरा कमरे में आई तो उसने देखा कि ऋषि ने कपड़े बदल लिए थे। उन सभी लड़कों को सूरज ने कपड़े दे दिए थे और लड़कियों के लिए तपस्या ने अपने कपड़े दे दिए थे। वीरा ने इस समय एक शॉर्ट पैंट और क्रॉप टॉप पहना, उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे और ऋषि ने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी। ऋषि बिस्तर पर बैठा फोन में किसी न्यूज को देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, जिसे देखकर वीरा समझ गई कि ऋषि क्या देख रहा था। उसने कहा, लगता है तुम्हें न्यूज मिल चुकी है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी लेट न्यूज मिलेगी। ऋषि ने वीरा की तरफ देखा, वो कल पूरा दिन शूटिंग कर रहा था जिस कारण उसे ये सब नहीं पता चल पाया था, और आज उसे एक फोटोशूट के लिए जाना था इसीलिए उसने अपना फोन चेक नहीं किया था, पर अब जब वो अपना फोन चेक कर रहा था तो उसे पता चल रहा था कि आखिर नताशा के साथ क्या हुआ था। ऋषि ने सोचा था कि वीरा कुछ बुरा करेगी, पर वो इतना बुरा करेगी उसने नहीं सोचा था। ऋषि ने कहा, क्या ये सब तुमने किया है? वीरा ने कहा, हाँ ये सब मैंने ही किया है। वीरा को ये सच मानने में कोई झिझक नहीं हो रही थी कि नताशा के साथ उसने ये सब किया था, आखिर वो भी तो ऋषि के साथ यही करना चाहती थी। ये सोचते हुए वीरा बिस्तर पर बैठ गई। ऋषि ने कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वीरा ने कहा, जो वो तुम्हारे साथ करने वाली थी ये उससे बहुत कम है। शुक्र मनाओ मैंने उससे लड़कियों के साथ नहीं पकड़वाया, उसे मैंने लड़कों के साथ पकड़वाया। ऋषि ने एक लंबी सांस ली और दोबारा उस न्यूज़ की तरफ देखा। उस न्यूज़ में एक वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें नताशा एक नाइट क्लब में कई सारे लड़कों के बीच लेटी हुई थी। उन सभी के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिसे देखना बहुत बुरा हो सकता था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ये सब करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उस वीडियो को ब्लर कर दिया गया था पर फिर भी लोग उन्हें पहचान सकते थे, और वहां लिखी रिपोर्ट के हिसाब से उन दोनों ने ड्रग लिए थे और वो सभी लड़के भी पेड थे जिन्हें पैसे देकर बुलाया जाता था। इंटरनेट पर यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि नताशा अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर इस तरह के बुरे काम करती थी, और अब वो कभी किसी मूवी का पार्ट नहीं बन सकती थी क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसे बैन कर दिया गया था। उसकी इन हरकतों के कारण कोई भी मूवी उसे साइन नहीं करना चाहती थी, और उसकी जितनी भी इंडोर्समेंट थी वो भी कैंसिल हो गई थी। जिन कंपनीज की वो ब्रांड एम्बेसडर थी उन लोगों ने भी उससे माफ़ी मांग कर उससे अपने काम को वापस ले लिया था। नताशा की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसके पास कुछ ना बचा हो। नताशा का परिवार भी बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। पता नहीं कैसे उनके सारे फ्रॉड सामने आ गए थे, और ये सच भी सामने आ गया था कि उन लोगों ने कितनी ही खराब बिल्डिंग्स बनाई थी जिनके गिरने से कई लोगों की मौत हुई थी, और उन्होंने कई सारा ब्लैक मनी अपने पास छुपा कर रखा था जिसे पुलिस जांच में ढूंढा जा चुका है। क्या सूरज और तपस्या के बीच की ये गलतफहमी दूर हो पाएगी? क्या अनाया पीयूष की बात मान जाएगी? और क्या नताशा अपना बदला लेने वापस आएगी?